हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। होप्स आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए कुछ मैं लेके आई हूँ यहाँ पर। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोरसल ये कौन सी साइड्स होती है, और आपके चैप्टर में बार बार ये टर्म यूज होती है पोजिशन के लिए। तो आइए इसे बहुत अच्छे से समझते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। जब हम बात करते हैं एंटीरियर की, तो एंटीरियर मतलब होता है टॉप, ठीक है, और पोस्टीरियर मतलब होता है बॉटम, मतलब नीचे। जैसे पोस्टीरियर मेरा पैर है और एंटीरियर ये मेरा सर, ठीक है। जब हम दूसरे टर्म्स की बात करते हैं, वेंट्रल और डोरसल, देखिए एंटीरियर के साथ पोस्टीरियर शब्द का यूज होता है और वेंट्रल के साथ डोरसल। वेंट्रल मतलब जो चीज मेरी धरती की तरफ है, ये नीचे की तरफ, जैसे मेरा जो हार्ट है ये सॉइल की तरफ है, ग्राउंड की तरफ है, दैट इज ये वेंट्रल पार्ट है मेरा, ठीक है। और डोरसल जिसको पृष्ठ भाग भी कहते हैं, जो मेरा बैक साइड, और ये बैक साइड किसके तरफ है, आसमान की तरफ, ठीक है। तो ये मेरा डोरसल साइड है, ये मेरा वेंट्रल साइड है, ये मेरा एंटीरियर है, और नीचे मेरा जो बॉटम है, आधार है, वो मेरा पोस्टीरियर है। और लेटरल साइड, ये मेरा जो साइड वाली साइड है, मतलब ये जो साइड है मेरी, ये मेरी लेटरल और पार्श्वीय साइड, पार्श्वीय भाग भी इसको कहते हैं। और वहीं पर जो दे रखा है सुपीरियर और इन्फीरियर, ये तो हम सभी जानते हैं। सुपीरियर मतलब अबव, इन्फीरियर मतलब नीचे। होप आप सभी को ये टर्म्स क्लियर हुए होंगे। इसको याद कर लेना, ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होता है, पेपर में क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।